जिंगलाम उदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का विद्यार्थीहरूले मिड डे मिल में मध्यान्ह भोजन को साटो अब झालमुरी खानु पर्ने छैन। विद्यालय में पानी को जटिल समस्या भएपछि मध्यान्ह भोजन को साटो कहिलेकाहीँ झालमुरी वितरण गर्ने गरिन्थ्यो भने प्रतिदिन 1200 रुपियाँमा पानी किनेर विद्यार्थीहरूलाई मिड डे मिल खुवाउन पर्ने दुखद अवस्था थियो। विद्यालय में प्रतिदिन गाढ़े घाव बनेर बल्झी रहने समस्यालाई अब भारतीय गोर्खा प्रजातांत्रिक मोर्चा का तकदा टिस्टाभेली समष्टि अध्यक्ष डेन्डुप पाखरिन अनि विद्यालय संचालन समिति ले पूर्ण रूप में समाधान गरिदिएको छ। हिजो विद्यालय भवन में अध्यक्ष डेन्डुप पाखरिन ले पिउने पानी भित्र्याएर विधिवत उद्घाटन गरे। कार्यक्रम बीच संस्थापक स्वर्गीय गुरुङ को नातिनी बुहारी नारी साहित्यकार सुषमा मोक्तानले मुख्य अतिथि को आसनबाट विद्यालय को उन्नति र सर्वांगीण विकास को निम्ति मंगल कामना गर्दै उनको स्वर्गीय पति कर्णेल हरिप्रसाद गुरुङ अनि स्वर्गीय छोरा आदित्य गुरुङ को पुण्य स्मृति में विद्यालय प्रति नगद 50,000 रुपया को आर्थिक सहयोग प्रदान गरिन्।